देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। प्रताप सरनाई फाउंडेशन द्वारा मीरा भाईंदर में पहली बार आयोजित गरबा महोत्सव में यहां के गरबा रसिकों का, गरबा प्रेमियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तभी तो पहले दिन से ही, आज आठवां दिन है, आज ही मैदान पूरा गरबा प्रेमियों से भरा हुआ है। हज़ारों की तादाद में लोग बाहर हैं, वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है अंदर आने के लिए, उन्हें गरबा खेलने के लिए। तो काफ़ी अच्छा प्रतिसाद गरबा रसिकों का यहाँ पे उनको मिला। तो बात करते हैं आमदार प्रताप सरनाइक से और कुछ लोगों से। मैं तो बोलता हूँ और मीरा भाईंदर शहर में और 10 जगह पे गरबे होने चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन नागरी बस्ती जो है मीरा भाईंदर शहर की बढ़ रही है। मुंबई से और राज्य के अलग अलग इलाकों से, राज्य से नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग मीरा भाईंदर शहर को पसंद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा शहर लोगों को लग रहा है। अभी अभी आपने सुना कि कमिश्नर साहब ने बोला कि स्वच्छ और सुंदरता के बारे में मैं मीरा भाईंदर शहर को एक नंबर पर लेके आना चाहता हूँ। कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ का निधि मैं इस शहर के विकास के लिए दे रहा हूँ, और उन्होंने दिया भी है बहुत सारा निधि। तो ये शहर धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट के बहुत सारी सुविधा है हमारे माध्यम से, लोक प्रतिनिधि के तौर पर हम शहर को दे रहे हैं। और मनोरंजन क्षेत्र तो एक अलग जरिया है। आप जानते हो कि ऐसे नहीं है कि खाली विकास करने से लोगों का मन भरता है, अलग अलग चाहे स्पोर्ट्स कैटेगरी हो, चाहे एजुकेशनल कैटेगरी हो, चाहे मनोरंजन का अलग क्षेत्र हो, इसमें तो लोगों की रुचि रहती है। और लोग यही चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए और हमारा मनोरंजन भी लोक प्रतिनिधियों के माध्यम से होते रहे। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मीरा भाईंदर शहर के कमिश्नर हो, कलेक्टर हो या पुलिस कमिश्नर हो, वो यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से अपना जो बयान है वो बयान दिया, और इस शहर के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही है और बहुत सारे काम अभी भविष्य में आगे के एक साल में हमें इस शहर के लिए कर रहे हैं। पानी की योजना है, मेट्रो चालू करनी है, मीरा भाईंदर शहर के जो भी उद्यान है, मैदान है, उसको डेवलप करना है अलग अलग तरीके से। हमारी जो खाड़ी किनारा है, हमारी रिवर है चेरा रिवर, उसको डेवलप करना है। तो ये सभी चीज़ें जो है हम मीरा भाईंदर शहर के लिए करने जा रहे हैं। और धन्यवाद मैं लोगों का देता हूँ, इतने बड़ी संख्या में लोग रोज़ के रोज़ यहाँ पे 30-40 हज़ार लोग आ रहे हैं। जितनी लोग अंदर होते हैं उतने ही लोग बाहर होते हैं, क्योंकि कठिनाई होती है इतने लोगों को खेलने को, हम परमिशन नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग एंट्री भी बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अम्बे माता के आशीर्वाद से हो रही है और हम लोगों के लिए सेवा। ये मुंबई की जो परंपरा है वो मीरा भाईंदर में भी मुझे पहले से दिखती है। यहाँ की जो जनता है वो नवरात्रि में खूब इस चीज़ का आनंद लेती है, और उनको उनका आनंद बढ़ाने के लिए ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है वो बहुत बढ़िया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस आनंद में मुझे सहभागी होने का सौभाग्य मिला। मुझे इतना ही कहना है कि हम जो स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर का अभियान चला रहे हैं, उस अभियान में ये सब नागरिकों ने सहभाग देना चाहिए, ऐसा हमने आह्वान किया है। और मुझे इस बात की गारंटी है कि डेफिनेटली लोग साथ देंगे। थैंक यू। गत 6 दिन से हम हर दिन सुबह बाहर निकल रहे हैं, 26 तारीख तक ये अभियान चलने वाला है और उसके बाद फिर सोसायटी में हम जाने वाले हैं। जर खरंच तुम्ही बरोबर बोललात, आठव्या दिवशी खरं म्हटलं तर बऱ्याचशा लोकांकडे अष्टमीचं होम असतो, हवन असतं, उपवास असतो, पण मला माहिती नाही काय जादू आहे सरनाईक साहेबांच्या या फेस्टिवलमध्ये की हवन होम उपवास असून सुद्धा लोक बेधुंद होऊन नाचतायत, धमाल करतायत, मस्त इन्जॉय करतायत। तुम्ही पाहिलं असेल मगाशी एवढी गर्दी, दर दिवशी गर्दीचा रेकॉर्ड वाढत चालला आहे, आणि आतल्या गर्दीपेक्षा तुम्ही जर गेटच्या बाहेरची गर्दी पाहिली, लोक बाहेरसुद्धा रस्त्यावरसुद्धा याच म्युझिकवरती नाचतायत, कारण त्यांना आत यायला मिळत नाही आहे। कमाल आहे सरनाईक साहेबांना मनापासून मी आभार मानतो, इतका सुंदर कार्यक्रम त्यांनी मीरा भाईंदर वासियांना दिला आणि तुम्ही तो कवर करताय, तुमच्या चॅनलचे मी आभार मानतो। जो गरबा का आयोजन पहली बार हमारे आमदार प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से हो रहा है प्रताप फाउंडेशन की तरफ से, लेकिन जो यहाँ पर लोगों का उत्साह और
लोगों की यहाँ पर गरबा खेलने के लिए जो उपस्थित है वो बहुत बड़े पैमाने में है और आज का आठवां दिन है और आठवें दिन में भी लोगों ने यहाँ पर इतना जमावड़ा जमा हुआ है कि लोगों को खेलने के लिए परेशानी हो रही है, लेकिन कोई लोग हट नहीं रहे, जगह पे उत्साह का मजा ले रहे हैं और देवी माता की हम सभी लोगों पे कृपा रहे कि उत्साह हर साल ऐसे जोरों में हमारे लाड़के आमदार प्रताप जी सरनाइक उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम मीरा भाईंदर को मतलब मीरा भाईंदर में किया है और हमारे युवा सेना के मतलब महाराष्ट्र के अभी नियुक्ति हुई अपूर्वे जी सरनाइक उनके माध्यम से ये पूरा बड़ा कार्यक्रम हो पाया। मैं तहे दिल से उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे हमारे युवा सेना टीम के वजह से टीम के ओर से और ये मीरा भाईंदर की जनता को मैं नवरात्रि की आज आठवां दिन है नवरात्रि की शुभेच्छा देना चाहता हूँ। जय हिंद। आमदार रुआबदार शानदार कर्तव्यगार जानदार समझदार शानदार दमदार ऐसे आमदार का कार्यक्रम जिस तरह से आमदार है उसी तरह से उनका कार्यक्रम है। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी इवेंट और कोई भी प्रोग्राम यदि करना यदि इस शहर को सीखना चाहिए तो उसके प्रताप सरनाइक साहब हैं और विहंग सरनाइक और पूर्वेश सरनाइक जी से सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि मीरा भाईंदर में पहली बार प्रीति पिंकी का गरबा का इन्होंने आयोजन किया है, यहाँ पे डांडिया रास का आयोजन किया, पूरा शहर झूम उठा है और गली गली में चर्चा यहाँ से लेकर के मैं आज बता दूँ आपको कि कल मुझे एक फ़ोन आया था कहाँ से दादर से, उन्होंने कहा कि भाई हमको पास मिलेगी किया, बोले क्या बात क्यों भाई, तो बोले कि भाई प्रीति पिंकी के हम लोग गरबा देखने के लिए बोरीवली जाया करते थे, आपके विधायक साहब ने आमदार साहब ने काशी मीरा में बुला लिया है। मैं बोला काशी मीरा में नहीं भाई मीरा रोड में है, तो उन्होंने बोला भाई नहीं काशी मीरा और मीरा रोड में दूरी क्या है। तो देखिए कि इस गरबा रात जो इस शहर की जनता को जो चाहिए थी वो प्रताप सरनाइक साहब ने करीब से समझा और इसलिए यहाँ पे किया है आयोजन इतना बड़ा, इसलिए मैं तहे दिल से अपने पूरे शहरवासियों की ओर से उनका शुक्रिया। कोई कमी नहीं।